ब्रेक के बाद आप सभी का दोबारा स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में छठे चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान जहां राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार प्रसार करने के बाद आमजन से वोट करने की अपील की है, वहीं 25 मई को लोकसभा प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। मतदान के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या न आए और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाया जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पानीपत पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत ने सभी पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी अच्छे से निर्वाह करने के आदेश दिए। देखिए, जो कल वोटिंग की प्रक्रिया है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इसके लिए हमने पुलिस की सारी तैयारियां कर ली है। सभी बूथों पे हमारी ड्यूटियां लग चुकी है और आज आप जैसे आर्य कुलन में स्ट्रांग रूम से जैसे ही ड्यूटियां वहां से रवाना होगी, उनके साथ में पुलिस की पार्टियां भी वहां पे मौजूद हैं और वो मतदान को बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल पीसफुल, विदाउट एनी फियर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं कि ये पेट्रोलिंग पार्टियाँ हैं, जो टोटल 40 पेट्रोलिंग पार्टियाँ हमने लगाई है। इसमें वो सब भी है, ईआरवी वगैरह तो एक्स्ट्रा है, एसएचओ की गाड़ियाँ अलग है, परंतु ये 40 पेट्रोलिंग पार्टियाँ 10 से 15 लोकेशन पे ये सारी पोलिंग पार्टियाँ की जिम्मेदारी दी गई है। उस एरिया में कुछ भी घटना होती है तो ये तुरंत वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी और हमारे कंट्रोल रूम को भी सूचना देगी। अति संवेदनशील का क्राइटेरिया अब चुनाव आयोग ने बंद कर दिया, आजकल हम इनको क्रिटिकल बूथ बोलते हैं। तो हमारे 151 बूथ और 56 लोकेशन है जिनको हमने क्रिटिकल माना हुआ है, उन सब पे हमने आधा आधा सेक्शन, मतलब 4 से 5 जवान ITBP के या फिर CRPF के या फिर बाहर की जो पुलिस है वो विद हथियार वहाँ पे मौजूद रहेगी, ताकि लोगों में एक सुरक्षा की भावना के साथ लोग वोट कर सकें। कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं सर और कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है? टोटल 876 बूथ हैं और 449 लोकेशन है और 876 बूथ है। सब पे दो दो पुलिस कर्मचारियों की हमने ड्यूटी लगाई है और उसके अलावा, जैसे मैंने बताया, उनके अलावा भी पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी वहाँ पे अवेलेबल है और जो बड़े बूथ हैं जैसे जिनमें 4 या 5 है, उन पे एक NGO इंचार्ज को भी हमने ASI रैंक या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को भी इंचार्ज के तौर पर लगाया गया है। इसके अलावा DSP रहेंगे, उनके साथ में एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी है। कंसर्न जो SHO है, पेट्रोलिंग पार्टी वाले हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो सब भी फील्ड पर रहेंगे। तो हमारी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है कि हम चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष और फेयर तरीके से करवाएं। हुड़दंग करने वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? माहौल खराब करते हैं कई बार चुनाव के वक्त। देखो, हुड़दंग करने वाले के लिए तो संदेश जो हमारा है, जब उनकी कार्रवाई होगी तो अपने आप ही संदेश मिल जाएगा, लेकिन आपके माध्यम से तो मुझे बस इतना ही कहना है कि करेंगे तो भुगतेंगे और उनका इलाज करना पुलिस को अच्छी तरह से आता है। तो मेरी सख्त चेतावनी है, अपना वोट डालो और बूथ से बाहर निकलो। कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं वो बूथ पे खड़े होकर नाजायज तरीके से बातें करते हैं, अपनी टोली बना के खड़े रहते हैं, सबको पता है 144 भी लगी हुई है, 5 से ज़्यादा आदमी खड़े भी नहीं हो सकते वहाँ पे अनावश्यक तौर पे। 100 मीटर के आसपास का एक साइलेंट जोन होता है बूथ के अराउंड, उसका भी 144 लगी है, उसमें भी किसी व्यक्ति को आना अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन उस एरिया में यूज़ करना अलाउ नहीं है। मतदान करते वक्त आओ तो भी हमारी तरफ से आपको सभी को एक अपील है कि हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट रखें। यदि आप किसी कारणवश यदि लेके भी आते हो तो उसको जेब से बिल्कुल बाहर ना निकालें, स्विच ऑफ करके ही मतदान करें। बूथ के अंदर आप मीडिया कर्मियों को भी मेरा एक संदेश है, बूथ के अंदर जाके वीडियोग्राफी नहीं करनी है आपने, बाहर के एरिया में करो, लाइन की करो, लेकिन अंदर जाके जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ पे बिल्कुल भी वीडियोग्राफी। सर, आज की रात किस तरह से रहेगी? नाकाबंदी भी रहेगी कई जगह पर? आज की रात था जैसे आज एक इलेक्शन से पहले की है, कई बार बहुत शिकायतें भी आती हैं, कई जगह नाजायज शराब बिक्री की या फिर और किसी भी तरह की शिकायतें आती हैं, तो हमारी पार्टियाँ पूरे